सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक दूसरे से मजाक करते हैं, वैसे ही आप सभी सोचते होंगे कि हमारे प्यारे नबी मजाक करते होंगे या नहीं। तो नाज़रीन, इसी से जुड़ा एक वाकिया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए हैं तो हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे बने लाल बटन को दबा दें, जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके साथ ही बने घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन, एक बार हुजूर के पास एक खातून आई और कहने लगी, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में जाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया कि बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाती। हुजूर की ये बात सुनकर वो खातून परेशान हो गई और रोने लगी। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कि जन्नत में कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, फिर चाहे वो कोई मर्द हो या तो कोई औरत। जन्नत में जाकर सबकी उम्र 33 साल की हो जाती है, ना तो किसी की कम और ना ही किसी की ज़्यादा। हुजूर की ये बात सुनकर वो खातून बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। इसी तरीके का एक वाकिया हम आपको और सुनाते हैं। हुजूर के पास एक शख्स आया और उसने हुजूर से कहा कि मुझे सफ़र पर बाहर जाना है, तो मुझे ऊँट अता कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो ऊँट का बच्चा दूंगा। तो शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं ऊँट के बच्चे का क्या करूँगा? उस बच्चे पर ना तो सामान लाद सकते हैं और ना ही खुद सवार हो सकते हैं। तो हुजूर ने फिर यही फरमाया कि मैं तो तुम्हें ऊँट का बच्चा ही दूंगा। शख्स ने कहा, हुजूर मुझे कोई ऊँट दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो तुम्हें ऊँट का बच्चा ही दूंगा, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कोई ऊँट है जो किसी ऊँट का बच्चा ना हो। तो नाज़रीन, ये हमारे प्यारे नबी का मजाक भी था और एक तरीके से सच्चाई भी। इस मजाक में कहीं झूठ नहीं था। ऐसा ही एक और वाकिया हम आपको सुनाते हैं कि एक बार हमारे प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए जो कि हुजूर के लिए देहात का सामान लाया करते थे और हुजूर उनको शहर की चीज़ें दिया करते थे, और वो सहाबी बाज़ार में घास रखकर बेचा करते थे। एक बार जब वो सहाबी बाज़ार में घास बेच रहे थे तो हुजूर चुपके से उनके पीछे गए और उनकी आंखों पर हाथ रख दिया। हुजूर ने जैसे ही सहाबी की आंखें बंद की तो हुजूर ने सोचा कि सहाबी जिससे भी सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे उसी का नाम सबसे पहले बोलेंगे, पर सहाबी ने कुछ भी नहीं बोला। अब हुजूर ने किसी की आंखों पर हाथ रखा हो और बंदे को ठंडक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सहाबी ने कुछ बोला ही नहीं, बल्कि हुजूर की छाती से अपनी कमर लगाकर बैठ गए। हुजूर ने खुद ही बोला कि इस गुलाम को कौन खरीदेगा? तो सहाबी ने कहा कि मुझे किसने खरीदना है, मैं तो बहुत ही सस्ता हूँ। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम तो बहुत महंगे हो। तो नाज़रीन, इन सभी वाकियों से ये साबित होता है कि हमारे प्यारे नबी भी कभी कभी मजाक कर लिया करते थे, लेकिन उनके मजाक में भी सच्चाई होती थी। अगर हुजूर किसी से मजाक भी करते थे तो पूरी सच्चाई के साथ करते थे। तो नाज़रीन, हमें भी मजाक हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम किसी से मजाक करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि हमारे मजाक से उस इंसान को दुख या परेशानी ना पहुँचे। नाज़रीन, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट के ज़रिए बताएँ और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अपने जानने मिलने वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।